संस्कार रंग टोली आप सभी सुधीजनों का अपने संडे क्लब थिएटर फेस्टिवल में अभिबंध सभागार में स्वागत करती है। आज की प्रस्तुति संडे क्लब पार्ट वन आयु वर्ग 14-17 की एक कदम और है। अरे सॉरी मिस्टेक्स हो गई, जाओ जाओ चलो। ओके सर। वेरी गुड। मैं यहाँ का कोच और वार्डन भी हूँ। आपका बच्चा बहुत फनी रहेगा यहाँ। फनी मतलब खुश रहेगा। अच्छा आओ बेटा शुभम, आगे से लेफ्ट रूम नंबर 41, पेट अंदर छाती बाहर, चल जवान शबाश। ख्याल रखना इसका। अरे अपने बच्चे की तरह रखेंगे, जस्ट लाइक अ किड्स। जाओ जाओ खड़े की हो। क्या हम नहीं चल सकते उसके साथ? सॉरी ये स्कूल्स के रूल्स के खिलाफ हो जाए। आप एक बार प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी है। रूम नंबर 41। हाँ कोई है? कौन कमबख्त हमें हमारे आराम के समय डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी कर रहा है? मैं शुभम। कौन सा बम? बम नहीं शुभम। अच्छा अच्छा शुभम, तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ यार। अच्छा देखो गोरे मेरे गंदे कपड़े, अच्छा रुको यार ये भी ले जाओ। अरे मैं धोबी नहीं हूँ। तो कौन हो यार? मैं तुम्हारा नया रूममेट हूँ। ओ मैं मनीष। कहाँ पे हो? मैं दिल्ली से। किस स्कूल से? NSD पब्लिक स्कूल। क्या बात कर रहा है, NSD पब्लिक स्कूल? सच बता यार, NSD पब्लिक स्कूल? हाँ NSD पब्लिक। ये कहाँ पर है? मैं मेरे घर के पास ही। अच्छा ठीक है यार, आप आ ही गए हो तो देखो ये मेरा बेड है, ये तुम्हारा बेड है। ये चेयर हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो दरवाजा देख रहे हो ना, ये वाला यार कभी भी हम एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते यार, पता है क्यों? क्यों? अबे अटक जाएंगे। अच्छा तुम यार, तू इतने लंबे सफर से आया, तेरे को भूख भी लगी होगी यार, टिफिन तो लाया, उसमें खाना वाना तो होगा ही ना, कुछ खाकर नहीं आया ना तू? चल फिर मुझे भी खिला। अबे कूद, ठीक है कूद। अबे सही से कूद भाई। बस ए ये आवाज सुनी तूने? हाँ ये यहाँ का सबसे बड़ा अजूबा, आ दिखाता हूँ। भाई बस। अबे आवाज तो निकाल ली तूने, आवाज तो निकाल। कुकड़ुकू कुकड़ुकू। भाई तुम ही देखो, अभी से लगता है इसका इलाज करना ही पड़ेगा। नहीं भाई भाई, क्यों? भाई नहीं भाई भाई आ भाई लग गई। ओ भाई ओ ओए 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 ए रोनी भाई, आप अभी मैं आपको याद कर रहा था, आप अपनी शक्ल लेकर आ गए, भगवान करे आपकी उम्र भी मुझे लग जाए। भाई ये इसकी चलाकी है, ये इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो इसे जानता भी नहीं, पता नहीं कौन है ये तो बस मेरा पुराना क्लासमेट है। ये कौन है? भाई नया स्टूडेंट लगता है। अच्छा इधर इधर। ये सुबह तो मैं आपसे छिपा रहा था, मतलब मिलवाने लेकर आ रहा था। चल सैल्यूट कर भाई को। सैल्यूट कर भाई को। भाई मैं जाऊँ? चल भाई सही से खड़ा रह। बस जाने दे चल। लेकिन भाई अबे जाना, काम कर दियो समझा। अबे सही से चल। कहाँ से है? दिल्ली से। बाप क्या करता है? होटल में मैनेजर है। और बड़ा भाई? नहीं है। बड़ी बहन तो होगी? छोटी बहन है। अच्छा तो बेटा सुन, जितना सीधा दिखता है ना उतना ही सीधा बिहेव भी करियो, नहीं तो टेढ़ा करना हमें आता है। ए घर में तेरा बड़ा भाई नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर है। एक नहीं दो दो। चल खड़ा खड़ा क्या देखा, पैर छू भाई की। भाई गर्ल्स हॉस्टल तो उधर है ना। चल बस आजा।
क्या हुआ? कोई नहीं भाई, कोई नहीं, समझा दियो। हाँ यार रोनी भाई के रूल, चलते हैं चलते हैं, बच के रहना। हे दीदी नमस्ते। ना जाने क्या होगा स्कूल का। सुन रहे हो क्या तुम लोग? हद है। मैं सुन रही हूँ ना दीपक, तुम बोलो। क्या बोलूँ, मैं तो बोला उसे एक बार भी सुन लिया करो, मैं एक बार 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 नहीं बोल सकता। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना अच्छे से आता है। छोड़ो यार, तुमसे ना बात करना बेकार है। क्यों डियर? आई जस्ट डोंट केयर, आई एम फेड अप। मैंने कितनी बार कहा था मुझे सेक्शन में होना ही नहीं है, इस सेक्शन में तो सारी भैंजियां भरी हुई हैं। कैन आई प्लीज आस्क यू टू बी साइलेंट, मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। यार मैं भैंजी नहीं हूँ, तो मुझसे बात कर सकती है। मैं जनरली बोल रही थी, एंड मुझे लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीड आई रिमाइंड यू कि तू भी लड़की है। थैंक यू सो मच। क्या कर रही है शांति? हिस्ट्री। ओए चैप्टर 7 पे आ गई, ये तो मैम ने पढ़ाया भी नहीं है। मैम बहुत स्लो है, मैं उनका वेट नहीं कर सकती। ब्लू है? ओह मुझे याद है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सम्स नहीं किए। ओए पेन है? हाँ। यार दे देना, मैं लाना भूल गई। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओह सूरज पेन है तेरे पास? हाँ है, क्यों? दे देना, मैं लाना भूल गई। एक काम कर, रात को सोने से पहले ना अच्छे से बैग पैक करके सोया कर। बेवकूफ लड़की बिना पेन के क्लासरूम में आती है। नहीं देना तो बोल देना, लेक्चर क्यों दे रहे मुझे? अखिल पेन है तेरे पास? मैं काम कर रहा हूँ ना। दे देना, मुझे भी करना है। और सुन, पेन के साथ पेंसिल इरेजर और शार्पनर भी दे दियो। पकड़। थैंक यू। अरे कभी अपना सामान भी यूज कर लिया कर, दूसरों का मांग मांग के गुजारा करती रहती है। गुजारा जिंदगी में ना होता गुजारा हमारा, जिंदगी में ना होता गुजारा हमारा, अगर ना होता सहारा तुम्हारा। वाह 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 वाह। यार विदुषी तू कितनी अच्छी शेर शायरी करती है, मुझे भी सिखा देना, तब हम दोनों ना पक्के दोस्त बन जाएंगे। शेरो शायरी तक तो ठीक है, पर दोस्ती प्लीज डिस्टेंस। ए शुभम, तूने दुनिया में बहुत बड़े बड़े नमूने देखे होंगे, लेकिन हमारी पूरी क्लास इन नमूनों से भरी है। तो वेलकम टू क्लास 10। ओ मालिक सीधे खड़े हो जाओ। तुम आज पूरे 6 मिनट और 36 सेकंड लेट आए हो। अच्छा, अच्छी बात है, बताओ तो लेट क्यों आए? ये न्यू एडमिशन है। हेलो, मैं सूरज प्रताप, इस क्लास का मॉनिटर हूँ। मेरा नाम शुभम। पूरा नाम बोलो। शुभम शर्मा। अपना कॉलर ठीक करो। और पीछे चल के बैठ जाओ। और शुभम, तुम आज पहले दिन ही लेट आए हो, आगे से इस बात का ध्यान रखना। मेरा पैर रखा हुआ था यहाँ। ओह जूते वाली बहन जी। क्या बोला? अगली बारी बहन जी बोला ना खून पी जाऊंगी। यार शुभम तो इसकी बात का बुरा मत मान, ये ना सभी को परेशान करती है। वैसे मेरा नाम सिखा है। मेरा नाम शुभम। और आओ मैं तुम्हें क्लास के बच्चों से मिलवाती हूँ। सूरज से तुम मिल ही चुके हो। हाँ। और इसे तुम जानते हो। हाँ। वो जो उसके बगल में बैठी है ना, बहुत खतरनाक है। डीएम नाम है उसका, दृष्टि मल्होत्रा। और ये तो बड़ा ही प्यारा है। तुम्हें अगर कोई भी काम करवाना हो ना तो इससे कह देना, ये कर देता है। और वो जो बीच में, ओए तुम्हारे पास तो नई नोटबुक्स होंगी ना, मुझे एक दे दो, मेरी खत्म हो गई। ये ना तुमसे कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। और वो जो वहाँ बैठी है, वो उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। कैसे दिखाई देगी, उसका चेहरा देखने के लिए उसके सामने से किताब हटानी पड़ती है। और वो है विदुषी। क्या शेर व शायरी करती है, 2 दिन में उसके फैन हो जाओगे। 2 नमूने और है, अभी आते ही होंगे। आते ही होंगे, आते ही होंगे, उनके आने से फूल खिल जाते ही होंगे। और पड़ी, तुम दोनों आज पूरे 8 मिनट और 3 सेकंड लेट आए हो। अच्छा यार क्या घड़ी है, कहाँ से ली? ये जगह पर्सनल बातें करने के लिए नहीं है, चलो बताओ आज इतने लेट क्यों आए? यार वो परी को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? लड़कों को बताने वाली बात नहीं है, हट यहाँ से। आजा परी आजा।
यू डार्लिंग। हेलो, आ गई कॉस्मेटिक्स की दुकान। यार परी, क्या हो गया था तुझे? अरे क्या बताऊ, मुझे ना पिंपल हो गया था। हाँ पिंपल दिखा। ये देख कितना बड़ा है, है ना? तू मुझे बुला सकती थी ना, मैं तो तेरे बगल वाले रूम में ही रहती हूँ। हाँ हाँ अगली बार जरूर याद रखूंगी, इस बार भूल गई थी ना। अगली बार से याद रखना। हाँ मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। यार तू ना मुझे छुआ मत कर, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो। सॉरी। ओह माय गॉड, बेचारी को इन्फेक्शन हो जाएगा। हाय जिसी, यार आई जस्ट लव योर वॉइस, आप कितनी मैनली है। अच्छा यार एक बात बता, मैंने तुझे कहा था ना कि कोच सर से मेरे ग्रेड्स के बारे में बात करी हो, तूने करी होगी ना? और डोंट वरी मैं कर लूंगी। चल इस क्लास में मुझे कंसंट्रेट करने देगा या नहीं मॉनिटर? क्लास सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाओ और अपना अपना काम करो। ओह गॉड द पिंपल, लिप बाम भूल गई। आखिर मेरा लिप बाम ले आओ ना प्लीज। अगर मैम आ गई और मुझे पकड़ लिया तो? लेकिन तुम तो सबकी हेल्प करते हो, मेरी भी करो ना। कौन सा वाला लिब्बा? अरे वो जो न्यू बेबी लिप्स का नया वाला नहीं है, वो वाला। जब अखिल लेके आएगा ना तो प्लीज मुझे भी दिखा देना। लेकिन पिछली बार जब पहले तुमने अपना लिप बाम दिया था तुमने मुझे तब से वापस नहीं किया। यार वो खत्म हो गया था। मेरा लिप बाम खत्म हो गया था। इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती, इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती, वक्त की चाहत कभी कम नहीं होती। क्या 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 क्या? यार दूसरी आई जस्ट लव योर शायरी यार, अगली बार ना तू ही मेरे ऐसे लिखियो। ऑफ कोर्स यार पीहू, तेरे लिए कुछ नहीं। क्लास सब लोग शांत बैठो, मैं मैम को बुलाने जा रहा हूँ। चले। थैंक यू। यार अखिल तू कितना फास्ट है यार, और हमेशा सबकी मदद करते हैं, कीप इट अप। हाँ हाँ फास्ट तो हो गई, पापा मिल्खा सिंह, मम्मी पीटी उषा, तो लड़का हुसैन बोल्ट नहीं बनेगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैम और प्रिंसिपल सर का मीटिंग खत्म हो चुका है और अब वो आ रहे हैं। ये भी कोई गुड न्यूज़ है? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखिए ये है अगली क्लास, एक साथ गुड मॉर्निंग तक नहीं कह सकते ये लोग। गुड मॉर्निंग विश करो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड क्लास। तो क्लास एंड है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि एसएचई मैम यानी सुनीता मैम को टॉयलेट के अंदर लॉक किसने किया? और अगर वो ये सोच रहा है कि बच जाएगा तो ऐसा मत सोचे। आ सर मुझे पता है। यस प्लीज। कि पता नहीं किसने किया। ये भी हो सर। सर इट्स ओके, मैं पता लगा लूंगी। नहीं स्कूल अथॉरिटी का काम है, और वैसे भी सीसीटीवी कैमरा में देखकर पता लगा ही लिया जाएगा कि किसका काम है, उसे सबसे अच्छा सजा मिलेगी। सर सब एकदम नारियल हो। व्हाट डू यू मीन? आई मीन सर सर आप बच्चों का कितना प्यार करते पर बाहर से दिखाते कि हम कठोर। कीप टू द पॉइंट। सर इट्स ओके, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। यही एटीट्यूड है आप टीचर का, जो बच्चों को आपके सर पे चढ़ा के रखता है, बंदा की नहीं हिम्मत होती कि वो टॉयलेट के अंदर लॉक कर सके। सर अगर आप सीसीटीवी कैमरा से पता लगा लेंगे तो इस मैटर को यहाँ पर इतना स्ट्रेस क्यों करना, हमारी पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो रहा है। यू मे स्टार्ट द क्लास। थैंक यू सर। बेटा खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ। मैम मुझे पता है हम लोग आज सिटी स्टैंड वाला गेम खेल रहे हैं ना। मुझे सच सच बताओ कि किसने मुझे वॉशरूम में बंद किया था? ओ नहीं बताओगे, ठीक है वो तुम्हें वैसे भी पता लगा ही लूंगी, लेकिन तब तक मैं किसी को भी बख्शूंगी नहीं, सबको सजा मिलेगी। ये क्लास दिन ब दिन बदतमीज हो जा रही है, पता नहीं क्या होगा इस क्लास का। सुनीता मैम, कैन वी हैव दिस मीटिंग एट 4 PM? या श्योर सर। दैट्स गुड। बेटा खड़े क्यों, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ। Excuse me,
सुना, तुम्हारे हाथों का डिस्प्लेमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, फ्यूचर में अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। ओ फ्यूचर, उसे गेम भी खेलने दे। ओ गॉड, इतनी धूप हो रही है, ये पीटी पीरियड में सबको नीचे क्यों आना होता है? जो लोग खेलते हैं वो नहीं आ सकते? मैं टैन हो जाऊंगी। शाइनिंग गिव्स दिस टू मी। ओ हेलो, मैं पढ़ रही थी। हां तो मैं आपको धूप से बचाने की कोशिश कर रही, तुम्हें समझ नहीं आता मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? तो गिव इट टू मी। नो नो, मेरी बुक भर दी। तुम फोर्थ क्लास में बच्चे हो क्या? कैसे लड़ रहे हो? प्लीज वंस मोर शट अप, इधर बैठ, यहां से निकल। यू नो दैट्स व्हाई आई हेट गर्ल्स। सियानी मत बन, निकल यहां से। दीदी दीदी, क्या लड़ाई रोकी दीदी? मजा आ गया यार। ए बटर, इधर आ, इधर आ, बंद कर अपना शटर। अरे यार दीदी, लाइट कब से आ जा रही है? बोल दिया एक बार नहीं दूंगी। यार एक दीदी की क्या चल जाएगा तेरा? पता है मैं पूरी क्लास की दोस्त हूँ, बस तेरी नहीं हूँ, क्योंकि तो सबसे चीजें मांगती रहती है। और तू भी तो सबसे चेप होती रहती है। तुझे लगता है चेप होने से हर कोई तेरा फ्रेंड बन जाएगा, लेकिन असली में तेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अरे तू रो क्यों रही है? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तूने सही कहा था, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई दोस्त बन जाए, पर कोई बनता ही नहीं है। मुझे ना अकेले रहने से बहुत डर लगता है। यार डर तो मुझे भी लगता है। तुम सब मुझे कहते रहते हो कि मैं सबसे सामान मांगती रहती हूँ, पर पता है मुझे डर लगता है कि अगर मैं अपने सामान इस्तेमाल करूंगी तो वो खो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, तो मुझे कोई भी सामान नहीं देगा, इसलिए मैं पहले ही मांग लेती हूँ। अच्छा अब तू रो मत यार, मैं हूं ना तेरी फ्रेंड, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। सच्ची? हाँ कुछ नहीं मांगूंगी, तू उठ जा। बेकार में सारी चीज भी खराब कर दिए। अरे सर आ रहे हैं। लो अब टूटे ही अंग्रेजी की टांग। वो शाम ये दासा बोलते हुए। वो कौन है? वो हमारे टीचर है, और हमें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो हमें अच्छी चीज सिखाते हैं। ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। वो आफ्टरनून हो गई एक्चुअली। नूंस नूंस नूंस। कोई रनिंग शनिंग करेंगे? नहीं। नो सर। चलो डीएम लीड देम, रनिंग्स करो। तो क्या हम थ्योरी कर सकते हैं? नो थ्योरीज, जस्ट प्रैक्टिकल्स। चलो रनिंग्स करो। सर रनिंग नहीं करनी सर। व्हाई? सो पे बहुत धूप है और मैं अगर टैन हो जाऊंगी तो। सो व्हाई? सो सो प्लीज सर, ओनली रन्स, नो सिट्स, गो। चलो चलो सर, चलो चलो चलो, शाबाश। तो आप इंग्लिश बोलते हुए कितने क्यूट लगते हैं। ठीक है ठीक। व्हाई आर यू सिटिंग हियर? सर 12th क्लास। ओके ओके, चलो चलो भागो, ढीले लोग। चलो लाइन बनाओ, सिंगल लाइन बनाओ। तो वो सिंगल लाइन होता है? हाँ हाँ ठीक है। तुम्हें पता भी है स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रन्स मारनी पड़ती है, कितनी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है? हम तीन तीन हावर्स तक रन मारा करते थे बिना रुके। इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी का टॉपर्स रह चुका हूँ मैं। इफ यू वॉन्ट टू Come sports person, you have to kiss the death and put your everything on ground. Ronnie Marshall runs. कैसे हो आप? Player, player है ये? Yes sir. सीखो इससे कुछ. Sun से डर लगता है. I am shameless on you. No laughter. Yes, बोलो. Sir, वो आपको principal sir बुला रहे थे. But tomorrow he said me no need yesterday. No sir. Sir, no, that's not fair, sir. But today they call you now, so you had to vent. Sorry, क्या? Sir, बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे कोच साहब का है, कोच साहब का है मैं। ऐसे बताना तू क्लास में, मैं चलता हूँ। बिल्कुल। हाँ भाई, पूरी क्लास, ग्राउंड के साथ ग्राउंड, चलो। ना भी गाड़ी चला रहे। हाँ, भी गाड़ी। चलो पीछे बैठ जाओ सारे, चलो। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख क्या मेरा? भाई भाई भाई, भाई कुछ पूछ रहे, बताता क्यों नहीं है? ये प्रोजेक्ट कहाँ है मेरा? भाई वो भाई है, ऐसे नहीं मानेगा, तो सेवा देनी पड़ेगी। लगा सेवा देनी पड़ेगी। ये गलत है, जाके रुक ले, मैं आपको बुला के लेके आता हूँ। भाई भाई यार, इधर आ, रुकना। और भाई ने भी कोशिश तो की थी, काम करेगा। डीएम यार उसको रोक, सामने से हट। ये मारा भाई, रुको, खड़ा आराम से, चूहा में से लेकर जा। शर्म नहीं आती तुम्हें? छी,
भाई फोड़ दूं कैसे? पागल है क्या? भाई लड़की से डर गए? तू ना अपनी औकात मेरा समझा। भाई सौरिया भाई बनने वाली है क्या? तू कुछ नहीं समझा गंदी नाली के कीड़े। अरे दादी भाई, भाई, भाई। ए, 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 आज तो सैलरी मिल गई। लकी, 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 उठ, उठ चल, उठ। तू पागल है? एक ना एक दिन ये होना ही था, तुझे पिटना ही था। चाहे मुझे रॉनी कितना भी अच्छा लगे, मैं उसके साथ कभी नहीं घूमती। इसी कारण की वजह से तू क्यों उसका चमचा बने रहता है? मैं कोई चमचा नहीं उसका। रोनी जब किसी को मारता है ना तो मुझे डर लगता है। पता है मैं क्यों रहता हूँ रोनी के साथ? क्योंकि मैं नहीं पिटना चाहता उन लोगों की तरह जो इससे पिटते हैं, इसके और इसके जैसे उन लोगों से। क्योंकि मैं कमजोर हूँ अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने हालात से और सबसे। तू तू कमजोर है, तू तो लड़का है, तू कैसे कमजोर हो सकता है? मुझे तो लगता था लड़कियां कमजोर होती है, तभी तो मैं लड़कियों से दूर रहती हूँ, लड़कों के साथ घूमती हूँ, उनकी तरह बैठती हूँ, बात करती हूँ, खाती हूँ। एंड इन फैक्ट यहाँ तक मैं लड़कियों से दोस्ती तक नहीं करती, क्योंकि मैं कमजोर नहीं दिखना चाहती, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। दोस्ती दोस्ती ही तो है प्रॉब्लम। लकी, आज जब रॉनी ने तुझे थप्पड़ मारा तब तुझे दर्द हुआ ना? लगी ना चोट? मुझे भी लगी थी जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया था। दोस्ती बहुत बुरी।